की हमारी रेसिपी है खीमा आलू। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं खीमा आलू। माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया हमारा खीमा आलू बनके तैयार हो चुका है। आप भी घर में ज़रूर खाइए और सबको खिलाइए। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं खीमा आलू। अस्सलामुअलैकुम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। ये मैंने एक टोप ली हूँ, टोप में एक चम्मच भर के तेल डाली हूँ बड़े चम्मच से। इसमें डाली हूँ दो मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, और टमाटर को बहुत अच्छे से गला ली हूँ मैंने। और यहाँ पे डाली हूँ एक बड़ा साइज़ का बटाटा, और इसको भी अच्छे से तल ली हूँ मैंने। और एक मिर्ची पाउडर डाली हूँ, कश्मीरी तीखी लाल। और गैस की फ्लेम को बड़ा करी हूँ, इसको अच्छे से चला लेंगे। और मिर्ची का पूरा कच्चापन ख़त्म होने देंगे पहले तो। ये देखिए ग्रेवी में बहुत अच्छा सा हमारा कलर आ चुका है माशाल्लाह। ये देखिए मिर्ची का कच्चापन बहुत अच्छे से ख़त्म हो चुका है। इसमें डालेंगे खीमा जो कि बॉईल करके रखा हुआ था। खीमे में मैंने डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और एक गड्डी प्याज। सारी चीज़ों को मिक्स करके सीटी लगा ली हूँ दो कुकर की, और अच्छे से बॉईल कर ली हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा खीमा बन रहा है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालूंगी इसमें ज़रा सी नमक स्वाद के हिसाब से, क्योंकि नमक पहले भी खीमे में डल चुका है, तो नमक अपने हिसाब से डाले ज़रा देख के। यहाँ पे देखिए अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। इसमें डालूंगी मैं ज़रा सा पानी, ताकि बटाटे और सारे मिश्रण अच्छे से गल जाए, और इसको अच्छे से पकने दूंगी। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बारीक कर दी हूँ। ये देखिए ग्रेवी में हल्का हल्का तेल आ रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से तेल आ चुका है इसमें। अब इसमें डालूंगी ज़रा सी मटन मसाला। आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं मटन का। देखिए मैं डाल दी, अच्छे से चला लेंगे। एक छोटा चम्मच भर के डाली हूँ मैंने मटन मसाला, अच्छे से चला लेंगे। मैं इसकी ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं करने वाली हूँ, थोड़ी सी थिक रखने वाली हूँ इसको। देखिए इस तरह की ग्रेवी बन के तैयार होने वाली है हमारी। अच्छे से चला लेंगे मसाले को, और यहाँ पे गैस की फ्लेम को 2 मिनट के लिए बड़ा कर देंगे मसाला, ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारा मसाला पक रहा है। ऊपर से डालूंगी बारीक कटी हुई कोथमीर, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डाल दी मैंने कोथमीर, अच्छे से चला लेंगे चम्मच की मदद से। टेस्ट कर लेती हूँ मैं, इसमें नमक वगैरह बराबर है क्या। नमक वगैरह एकदम परफेक्ट है इसमें, मिर्ची नमक वगैरह सब बिल्कुल बराबर है एकदम। अभी मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को बारीक कर दूंगी 5 मिनट के लिए, और ढक्कन झाँक के ग्रेवी को अच्छे से पकने दूंगी। ये देखिए हमारे यहाँ पे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ढक्कन हटा रही हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है हमारे आलू खीमे का। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया बनता है। आप भी घर में ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को, बड़ों को, सभी को बना के खिलाइए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। मैं ज़्यादा पतली भी नहीं करी हूँ, और ज़्यादा थिक भी नहीं करी हूँ, मीडियम रखी हूँ। और दो या तीन लोगों के हिसाब से मैंने ये बनाई हूँ। ये देखिए कम मसालों में एकदम मस्त हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं अभी गैस को बंद कर दूँगी, इससे डिश आउट कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।